महंगे पेट्रोल डीजल के मार से हम और आप तो रोजाना जूझते हैं, लेकिन इसका हमारे भारतीय रेल पर भी बुरा असर पड़ा है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महंगे डीजल के चलते रेलवे के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अधर में अटक सकते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। समीर, बढ़ते हुए तेल की कीमतों के चलते खासकर जो पिछले एक डेढ़ महीने में डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है, उसका असर अब भारतीय रेलवे पर भी पड़ रहा है। दरअसल अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो रेलवे इस वक्त जबरदस्त वित्तीय दबाव से गुजर रही है। डीजल की कीमतों में उछाल हुआ है, जिसके चलते डीजल के लिए जो बिल है, जो एलोकेशन है, उसका भी अतिरिक्त बोझ भारतीय रेलवे को उठाना पड़ रहा है। और सूत्रों की माने तो ये तकरीबन 800 से 1000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस सबके साथ में सातवें वेतन आयोग के चलते रेलवे को अतिरिक्त पेंशन और सैलरी का भी खर्च उठाना पड़ रहा है। और हाल में जो रेलवे एम्प्लॉयज के लिए बोनस का ऐलान किया गया है, दिवाली बोनस का, उसके चलते भी रेलवे को 2000 करोड़ रुपए के करीब का खर्च अपने बोझ पर उसको उठाना पड़ रहा है। तो ये सब के साथ में जो अतिरिक्त या फिर नई नौकरियां जो पैदा हो रही है रेलवे में, उसका भी बोझ इस वक्त रेलवे के खजाने पर पड़ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि रेलवे इस वक्त जबरदस्त वित्तीय दबाव से गुजर रहा है। लेकिन आप पर ये कैसा असर पड़ेगा, उसको यूं समझ सकते हैं कि जितना रेलवे पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, उतना ही असर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लानिंग है उस पर नजर आएगा। रेलवे इंफ्रा के लिहाज से नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे लाइन के डबलिंग, ट्रिपलिंग, जो गेज कन्वर्जन है, या फिर नई लाइन का जो अलग अलग या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो काम रेलवे कर रही है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है अगर ये वित्तीय दबाव यूं ही बरकरार रहा। और सूत्रों की माने तो इस वक्त रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो लगभग 98-99 के आसपास है। और ऑपरेटिंग रेशियो का सरल मतलब यह है कि एक रुपये खर्च करके रेलवे ने कितना कमाया। तो जाहिर तौर पर यह समझा जा सकता है कि रेलवे जितना गवा रही है, कमा कुछ नहीं पा रही उसके मुकाबले। तो ये माना जा रहा है कि रेलवे के ऊपर जो फाइनेंशियल दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका असर इंफ्रा के तमाम प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है, उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया समीर इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए।